आज श्री भगवान चित्रगुप्त जी की जयंती है, इसे हम यमतृतीया भी कहते हैं। और इस जयंती पर जितने भी चित्रांश हैं पूरे भारतवर्ष में, ऐसी हमारी मान्यता है, वो सब इस दिन पूजन जरूर करते हैं। इसमें भगवान श्री चित्रगुप्त जी का सपरिवार पूजन होता है, लेखनी पूजन होता है, कलम दवात का पूजन होता है। और हम लोग जो पूजन करते हैं, मैं स्वयं भी कायस्थ हूँ, चित्रांश हूँ, तो हम लोग विधि विधान से इसको करते हैं। और ये मंदिर जब से बना है तब से इसमें पूजन मैं ही करवा रहा हूँ। ये हम लोग सब निःशुल्क करते हैं, बिना किसी पैसे करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं। ये हमारा कोई प्रोफेशन नहीं है, ये केवल एक भावना है, सेवा है। जहाँ कहीं भी मुझको बुलाया जाता है भगवान श्री चित्रगुप्त जी के पूजन के लिए, मैं ज़रूर जाता हूँ। कोई पैसे नहीं लेता हूँ, कोई दक्षिणा नहीं लेता हूँ। और आज के दिन ये जो हम कलम दबात का पूजन करते हैं, तो एक हम पत्र लिखते हैं, उस पत्र में मान्यता ये होती है, पत्र में बहुत कुछ लिखवाते हैं हम, और उसको लिखवाने के बाद उसको बंद लिफाफे में करके चित्रगुप्त जी के चरणों में रख देते हैं। उसके बाद प्रसाद स्वरूप वो हम अपने घरों ले जाते हैं, उसको सेफ में, तिजोरी में, अपने घरों में रख देते हैं, तो उससे पूरे साल बरकत रहती है। अगले साल पुनः यही प्रक्रिया अपनाते हैं, पुराना वाला लिफाफा उसको सुरा देते हैं, नया वाला लिफाफा रख लेते हैं। ऐसी किदवंती है। बरेली में भगवान चित्रगुप्त जी के काफ़ी मंदिर हैं, ये मंदिर काफ़ी पुराना है, और एक नया भी जो रामपुर रोड पर टोल प्लाजा पर बना हुआ है, गुद्दड़बाग में भी है, और भी कई जगह बन गए हैं। लेकिन कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज की कृपा हमारे चित्रांश परिवारों पर बरस रही है। जो भी व्यक्ति, जो भी चित्रांश, चित्रांश ही नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर प्रतिदिन केवल मन से कोई पूजा ना करे, केवल मन से भगवान चित्रगुप्त जी को याद कर ले, तो आप निश्चय जान लीजिएगा उसकी वो गति होती है जो बड़े बड़े देवताओं की नहीं होती है। मेरा यही मानना है कि हम कुछ ना कर पाएँ, कम से कम सभी चित्रांश भाइयों से ये मेरा निवेदन है कि अपना इंटेंशन क्लियर करें और अपना कर्म करते रहें और प्रभु को याद करते रहें, और सबका उद्धार संभव है, और मैं यही कहना चाहता हूँ। धर्मेंद्र कुमार सक्सेना है, और ये 2010 में करीब प्रेरणा हुई थी मुझे मंदिर बनाने की चित्रगुप्त महाराज का। बरेली में करीब 3 लाख कायस्थ है, लेकिन ये बड़ी विचित्र बात है, बरेली में कोई भी मंदिर किसी ने नहीं बनाया। तो अचानक प्रेरणा हो गई, भाई तुम भी कायस्थ हो और कुछ आगे बढ़ के काम करो। तो मैंने हिसाब जो भगवान जी की कृपा से जो मंदिर बनाने की कोशिश करा, और सभी लोगों ने मुझे बहुत सहयोग करा, और भगवान जी की कृपा से जो मंदिर 2007 में बन के कम्प्लीट हो गया था, और 2007 के हिसाब से 12 साल हो गए इस प्रकार से। अच्छा, हम लोग हर वर्ष चित्रगुप्त जी की जयंती आज है, हर साल जैसे महीने का कार्तिक महीने का द्वितीय पक्ष जो होता है उजाला पाक, उसमें भगवान जी द्वितीय दूसरे दिन प्रकट हुए थे, और हम लोग उनकी पूजा द्वितीय के दिन ही करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और सभी लोगों का, आसपास के सभी लोगों का बहुत सहयोग है, भगवान चित्रगुप्त की बड़ी कृपा है, जिसमें हमारे सक्सेना लोगों के मतीमान थे, उनका जो ओरिजिनल नाम था वो मतीमान भगवान था, उनको ही सक्सेना कहते हैं। वो सेनाओं का संगठन बहुत बढ़िया करते थे, और हमेशा भगवान मतीमान युद्ध में, बहुत युद्ध जीते उनने, बहुत युद्ध करे, और उनका नाम सक्सेना इसी वजह से पड़ा कि वो सेनाओं का संगठन इतना बढ़िया करते थे, कभी युद्ध हारे ही नहीं। इसका सारा विवरण आपको भविष्य पुराण में मिलेगा कि भगवान जी कैसे प्रकट हुए, कैसे क्या हुआ। और उज्जैन उनका विशेष धाम माना जाता है, उज्जैन से ही उनने जो है तब शुरू करा था भगवान जी ने, जब ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि भाई अब तुम जाओ पृथ्वी पे, और मानव सृष्टि वहीं से शुरुआत मानव सृष्टि की हुई। सबसे बड़ा तो पूरे देश भर में उज्जैन में ही माना जाता है, है यूपी में, बरेली में भी है, बनारस में भी है, हरिद्वार में भी है, काफ़ी जिलों में है। बरेली में जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोगों ने बनाया है यहाँ पर, और इलाहाबाद में तो बहुत ही बड़ा है केपी ट्रस्ट के नाम से, और वहाँ के लोग बहुत समर्पित हैं, बड़ा करते हैं काम वहाँ पे लोग। मुख्य उज्जैन में माना जाता है।